सब्सक्राइब करें अविल गुरु चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान सिंह स्वागत करता हूं आपका अविल गुरु चैनल में। आइए आज हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं करंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि हमने कहा था कि एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है, आपको कुछ नए प्रश्न, कुछ बढ़िया प्रश्न जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं, सतत विकास लक्ष्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एजेंडा 2030 को। इसको देखिए, समझने कहता क्या है इसको, एजेंडा 2030 सतत विकास। पहले हम आपको टर्म समझाते हैं, सतत विकास कहते किसको है। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मींस आप जो भी ग्रोथ कर रहे हैं, जितना भी आपने अपने ग्रोथ बना रखा है आप करिए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, जो नई जनरेशन आएगी, उसके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको एज इट इज रहने दीजिए। यानी कि आप डेवलप भी करिए, ग्रोथ भी करिए, जितना आप टेक्नोलॉजी में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नई जनरेशन के लिए आपको ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिले हुए हैं उसको बचा के रखना है। इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या हिंदी में कहते हैं सतत विकास। इसका लक्ष्य पाने के लिए हमने दिया था एजेंडा 2030। अगला प्रश्न आते हैं, बिहार नवगंगा सेतु परियोजना क्या है? बिहार नवगंगा सेतु परियोजना एक नदी पे बनाई गई परियोजना थी। इसमें यह कहा गया कि ये कहां से स्टार्ट हुआ, पहले आपको ये देखना है। ये स्टार्ट हुआ था आपका बिदुपुर, ये पड़ता आपका वैशाली जिला के पास, वैशाली जिला, और कहां तक चलेगा ये, कच्ची दरगाह, ये है आपका पटना में। इस सेतु की लंबाई थी 9.8 किलोमीटर। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर एग्जाम में सीधे ऐसे आ जाता है कि बिदुपुर से कहां तक, बिदुपुर ये वैशाली जिला में पड़ता है, कच्ची दरगाह पटना तक जाता है, इसकी पूरी लंबाई थी 9.8 किलोमीटर। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी न्यूज में भी रहा, इस पे बहुत सारे प्रश्न बने गए। पहला प्रश्न इस पे बना कि भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण जो हुआ है ये किस नदी पर हुआ है, तो आपको ये जानना होगा ये हुआ था लोहित नदी पर। फिर आपसे अगला प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको ये भी जानना बहुत जरूरी होता है, ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दो प्रश्न इसमें से बने हैं, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस नदी पर बना, लोहित नदी पर बना, किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर। कहां से कहां तक का बनाया गया, तो यह बनाया गया था हम लोग का ढोला से सादिया, ढोला से सादिया। इतने क्वेश्चन इस बन सकते हैं कि भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण इससे रिलेटेड यही प्रश्न बनेंगे, किस नदी पर बनाया गया, लोहित नदी पर, किसकी सहायक नदी थी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी थी, कितना लेंथ था, 9.15 किलोमीटर था, और कहां से कहां तक, ढोला से सादिया तक का बनाया गया है। अगला प्रश्न पे हम आते हैं, खुले में शौच से मुक्त, एनी का मतलब हमने लिखा है नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर कहा जाता है हिंदी में इसको, खुले में शौच से मुक्त यानी कि ओपन डिफेंशन होता है ये, नॉर्थ ईस्ट का दूसरा राज्य कौन सा है, खुले में शौच से मुक्त नॉर्थ ईस्ट का दूसरा राज्य, यहाँ एनी को हमने लिखा है नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर कहा जाता है, 7 सिस्टर होते हैं, 7 राज्य हैं भारत में जिनको नॉर्थ ईस्ट का दर्जा मिला है। ओपन खुले में शौच से मुक्त जो दिया गया है वो दूसरा था हमारा अरुणाचल प्रदेश, पहला किसको दिया गया था, पहला दिया गया था सिक्किम को, यानी कि सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा राज्य था जो खुले में शौच से मुक्त था, दूसरे में हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश को दिया है। अगला प्रश्न देखिए, देश के सबसे महंगे सेलिब्रिटी ब्रांड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न की खासियत ये है कि ये मिला है हमारे हीरो को, विराट कोहली को, विराट कोहली को ये दिया गया, और ये एक संस्था होती है जो ये देती है कि सबसे महंगे सेलिब्रिटी कौन थे, वो था हमारा डफ एंड फेल्प्स,
ये एक संस्था है डफ एंड ये एक संस्था है जो ये बताती है कि पूरे देश में सबसे महंगे सेलिब्रिटी कौन थे, तो वो दिया गया था हमारे विराट कोहली को। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कौन सा था। पूर्वी भारत, पहले आप देखिए पूरा, पूर्वी भारत का मतलब क्या था। हमने अगर भारत को पार्ट किया, डिवाइड किया है, तो हमने कहा एक जो है हमारा ईस्ट, एक हमारा ईस्ट, एक हमारा वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको कंप्लीटली ईस्ट में दिया गया है, वो था हमारा ओडिशा, यानी कि फिर से बता दे रहा हूं, पूर्वी भारत का पहला सीएनजी ओडिशा को दिया गया है। अब आपको यहां पे ये भी जानना होगा, कभी कभी छोटे एग्जाम में पूछ लेता है सीएनजी का मतलब क्या है, तो इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहां बनाया गया है। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है केरल के, बानासुर। नाम से आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि बानासुर कहीं जाना पहचाना है। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है केरल के बानासुर बांध पर बनाया गया है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्तार किया गया, यानी कि कुछ रीजन ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो दिल्ली के नियर पे आते हैं, मतलब नियर सेंट्रल रीजन किसको जाता है, एनसीआर किसको कहा जाता है। ये दिल्ली के आसपास के राज्यों से हमने कुछ जिलों को मिला लिया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि यूपी, हरियाणा, इन सबसे किस किस जिलों को मिलाया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था, यूपी के पहले 5 थे, अब 8 जिले हो गए हैं, यानी कि यूपी के 8 जिले ऐसे हैं जिनको एनसीईआर में मिला दिया गया। पहले जैसे थे हमारे मेरठ, गाजियाबाद, लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इसी को हम लोग नोएडा भी कहते हैं। फिर हमारा एक था बागपत, बागपत के बाद मुजफ्फरनगर, शामली को मिलाया गया है, और हमारा था बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर और हमारा लास्ट था शामली। ये जो 8 राज्य उत्तर प्रदेश के हैं जिनको एनसीआर रीजन में मिला गया है। यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 3 जिले को बाद में ऐड कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, पंच परमेश्वर पोर्टल एवं पंच परमेश्वर ऐप किससे संबंधित है। तो ये हमारा संबंधित था, किस राज्य में बनाया गया, एमपी, मध्य प्रदेश में बनाया गया। किस लिए बनाया गया था ये मध्य प्रदेश में जो गांव है हमारे, जो ग्राम से रिलेटेड था, जिन्होंने मतलब डेवलप किया था, उसके लिए जो है ये बनाया गया था। तो बेसिकली पूछा जाता है पंच परमेश्वर पोर्टल एवं पंच परमेश्वर ऐप किसने स्टार्ट किया था, वो था हमारा एमपी ने, मध्य प्रदेश ने, ठीक ना। ये ग्राम से जुड़ा हुआ था पंच परमेश्वर पोर्टल एवं पंच परमेश्वर ऐप किसका था, मध्य प्रदेश का था। ये बेसिकली ग्राम में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो काम कर रहे थे, उनके लिए एक ऐप बनाया गया था। मोबाइल ऐप उमंग किससे संबंधित है। मोबाइल ऐप का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसमें यही पूछा जाता है, उमंग का फुल फॉर्म बताइए आप, यूनिफाइड मोबाइल, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। आप लोग को एज इट इज ऐसे रटना पड़ेगा इसको, कि उमंग का फुल फॉर्म क्या था, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के लिए था। विश्व का पहला राजनीतिक रोबोट कौन है, तो एज इट इज कभी कभी पूछ लेता है, ये है सैम, इसका नाम था सैम,
ये न्यूजीलैंड के एक एंटरप्रेन्योरशिप थे, उद्यमी थे वो, उनके नाम पे उन्होंने ये दिया था सैम। अगला प्रश्न है, स्वच्छता ही सेवा और शौचालय के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया वो कर्नाटक के कन्नौर जिले से स्टार्ट किया गया था। एक्चुअली हम लोग बहुत सारे सेमिनार कंडक्ट करते रहते हैं, तो स्वच्छता ही सेवा और शौचालय के लिए एक सेमिनार कंडक्ट किया गया था जो था हमारा यूपी हैंडेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी हैंडेड को अब आईएसओ ने सर्टिफाइड कर दिया है 9001 ने। आईएसओ होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये जब कोई संस्था एक अच्छा काम करती है या कोई एक रिलेटेड काम कर रही है तो उसको ये सर्टिफाइड करते हैं। अगला प्रश्न था, पहली सौर ऊर्जा से संचालित डेमू ट्रेन, डेमू का मतलब समझिए DEMU, डेमू ट्रेन है ये, कहां से कहां संचालित की गई थी? ये दिल्ली के सराय रोहिंगा स्टेशन से हरियाणा के फारुख नगर, हरियाणा के फारुख नगर स्टेशन से ये चली थी। डेमू का मतलब होता है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। हमने आपके लिए जो है छोड़ा है, विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है ये आपको पता करना है, और इसके बारे में आप कमेंट में नीचे लिख के बताइए कि कौन सी थी। ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको देखेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या था। विजिट करिए हमारे चैनल avilguru.com को, और प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।